बेलाज की मूवी का नाम है डॉग टीथ। मूवी की कहानी में एक पिता अपने तीन बच्चों को बचपन से ही एक फार्म हाउस में कैद करके रखता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होने लगे और उनकी शारीरिक जरूरतें भी बढ़ने लगी तो उनके पिता उनके साथ जो करते हैं उसको देखकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। वेल, ये ग्रीक मूवी है और इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग भी मिली है। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन भाई बहन को देखते हैं, जिसमें से भाई का नाम पपलू, बड़ी बहन का नाम पिंकी और छोटी बहन का नाम रिंकी है। ये तीनों बचपन से ही शहर से दूर फार्म हाउस में रह रहे हैं और इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, और समय के साथ साथ ये बच्चे बड़े तो हो गए पर इनका दिमाग अभी भी कोई मिल गया पिक्चर के ऋतिक रोशन जैसा ही है। फिर नेक्स्ट सीन में पप्लू के फादर पप्लू के लिए अपनी कंपनी की लेडी सिक्योरिटी गार्ड को पप्लू की आग बुझाने के लिए लाते हैं, और उस लेडी गार्ड की आंखों में पप्लू के फादर ने पट्टी बांध रखी थी जिससे वो घर का रास्ता याद न रख पाए, और वो लेडी गार्ड पैसों के लिए सब काम कर रही थी। जिसके बाद फादर उस गार्ड को पप्लू के रूम में छोड़ देते हैं, जिसके बाद पप्लू उस लेडी गार्ड के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगता है। अगले सीन में वो गार्ड पिंकी से बात करती है, जिसमें वो उसे बाहर के टेस्टी खाने और जगहों के बारे में बता रही थी। उसकी बातें सुनकर पिंकी को बाहर जाने की उत्सुकता बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में पप्लू अपने फादर की कार को धो रहा होता है और तभी अचानक से वो दीवार के बाहर पत्थर फेंकने लगता है। अब उसकी ये हरकत उसके मदर फादर देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे खुद पर कंट्रोल रखने के लिए मुंह में माउथ फ्रेशनर रखकर अपनी सांस रोकने को कहते हैं, और जब तक वो ना कहें उसे थूकना नहीं है, और पप्लू ऐसा ही करता है और उनके कहने पर ही थूकता है। पप्लू के फादर ने बच्चों को बाहर जाने से बहुत डरा रखा था, जिससे पप्लू पिंकी रिंकी बाहर जाने से डरते थे। फिर फादर कार से अपने ऑफिस में आते हैं, जहां उसे वही गार्ड मिलती है जिसने पप्लू के साथ गुल्ली डंडा खेला था, और वो गार्ड फादर से अगले हफ्ते फिर से उसके घर आएगी ऐसा बोलती है। फादर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, इसलिए उसने अपने बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी थी। इधर रिंकी अपनी बड़ी बहन पिंकी की मसाज कर रही होती है, जिसके बाद दोनों परफ्यूम का सस्ता नशा करके बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पप्लू के फादर अपने डॉग को डॉग ट्रेनर के पास से वापस लेने आए थे, पर वो ट्रेनर कुत्ते को वापस ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि कुत्ते की ट्रेनिंग अभी बाकी थी। ट्रेनिंग सेंटर में उसका डॉग उसे पहचान भी नहीं रहा था। फिर घर पर आकर फादर अपनी वाइफ के साथ कबड्डी खेलता है। अब फादर फिर से उस गार्ड को आंखों में पट्टी बांधकर पप्लू के पास ले आता है, और पप्लू उसकी घोड़सवारी करता है, पर गार्ड पप्लू से संतुष्ट नहीं होती, जिसके बाद वो पिंकी के पास जाती है और अपनी स्ट्रॉबेरी पिंकी को खिलाती है। नेक्स्ट सीन में पप्लू पिंकी के एरोप्लेन से खेल रहा होता है, पर पिंकी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, और फिर पप्लू और पिंकी की आपस में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद पिंकी एरोप्लेन छीनकर गेट के बाहर फेंक देती है। गेट के बाहर जाने से पप्लू बहुत डर रहा था, जिसके बाद वो घर के अंदर आता है, पर पिंकी के सर पर अभी भी चुनूने सवार थे और वो चाकू लेकर पप्लू के हाथ को काट देती है, और जिसके बाद पप्लू के हाथ से खून बहने लगता है। अब झगड़ा सुनकर मम्मी आती है और पिंकी के दो चपत लगाती है। फिर जब फादर घर आते हैं तो पप्लू उनसे गेट के बाहर पड़ा हुआ एरोप्लेन उठाने को बोलता है, और फादर उस एरोप्लेन को कार पर चढ़कर उठाते हैं। उसने अपने बच्चों को बाहर कदम रखने से भी डरा रखा था। अब अगले सीन में पप्लू गार्डन में मस्ती कर रहा होता है, तभी वो एक बिल्ली को देखता है और डर जाता है, पर फिर वो बिल्ली को घास काटने वाली कैंची से मार डालता है। ये देखकर पिंकी रिंकी जोर से चिल्लाने लगती हैं। अब ये सुनकर फादर के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके बच्चे बाहर कदम न रखें, इसलिए अपने कपड़े फाड़कर उन पर खून लगा लेता है और अपने बच्चों से कहता है कि बाहर ऐसी और भी बिल्लियां हैं जिन्होंने मेरा ये हाल किया है, और हमें अगर उनसे लड़ना है तो हमें कुत्तों की तरह भौंकना होगा। जिसके बाद पिंकी रिंकी और पप्लू कुत्ते बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगले सीन में ये तीनों अगर पानी में कोई डूब जाए तो उसे कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब रात में पप्लू की माँ फादर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चों को जन्म देने वाली है, और ये बात फादर अपने बच्चों को बताता है। बच्चे इस खबर को सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंकी और रिंकी के बीच कुछ और ही चल रहा होता है। अब अगले सीन में फादर स्विमिंग पूल में छुपके से मछलियों को छोड़ देता है, जिसके बाद रिंकी फादर के पास आती है और उनसे कहती है कि पूल में मछलियां हैं, जिसके बाद वो फिशिंग रॉड को लेकर पानी में कूद जाता है और उन मछलियों को पकड़कर ये सभी डिनर में खा रहे होते हैं। डिनर करते वक्त फादर सभी को बताता है कि बिना कार के हम बाहर नहीं जा सकते, और अगर हम बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गार्ड फिर से पप्लू के साथ गुल्ली डंडा खेलती है, और गुल्ली डंडा खेलने के बाद वो पप्लू से जॉम्बी के बारे में पूछती है, पर पप्लू को जॉम्बीज के बारे में नहीं पता था, जिसके बाद गार्ड उससे इसके आगे का नहीं पूछती क्योंकि उसका दिमाग बच्चों वाला था, और गुल्ली डंडा के बाद बचा हुआ मैच वो पिंकी के साथ खेलती है। पिंकी की आग भी अब बढ़ती जा रही थी, उसके आंखों में भी अब उड़ने के सपने थे। फिर पप्लू जॉम्बी क्या है इसके बारे में अपनी मॉम से पूछता है, पर उसकी मॉम कहती है कि वो पीले कलर के छोटे फूल हैं। वो नहीं बताना चाहती थी कि जॉम्बी मरकर जिंदा हुए लोग होते हैं, क्योंकि ये सुनकर वो डर भी सकता था। अब देर रात हम देखते हैं कि पिंकी उस टाइप की वीडियोस को देख रही होती है, और फादर को आता देख वो कैसेट को निकाल कर छुपा देती है, पर उसके फादर को पता चल गया था कि वो उस टाइप की वीडियोस को देख रही थी, पर वो उसे उस
वक्त कुछ नहीं कहते। पिंकी के अंदर की आग अब बढ़ती जा रही थी, ये बात फादर अब जान चुके थे। फिर अगले दिन वो उससे सारी कैसेट मांगते हैं और कैसेट को अपने हाथ में टेप से बांधकर पिंकी के सर पर प्ले कर देते हैं। फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब देख रही थी, जिसके बाद रिंकी उसके बैंड बजे हुए सर की मालिश कर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में फादर गार्ड की भी बैंड बजा देते हैं क्योंकि उसके बच्चों को गलत चीजें सिखा रही थी। उसने पप्पलू से जॉम्बी जैसा वर्ड पूछा और पिंकी को गुल्ली डंडे वाली कैसेट दी थी। फिर मदर फादर डिसाइड करते हैं कि पप्पलू के लिए अब हम गार्ड को नहीं बुलाएंगे और हम बाहर वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि पिंकी को पप्पलू के साथ गुल्ली डंडा खेलने के लिए मदर रेडी कर रही होती है, क्योंकि पिंकी के अंदर भी शोले भड़क रहे होते हैं, जिसके बाद पिंकी और पप्पलू एक दूसरे के साथ गुल्ली डंडा खेलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर फादर की एनिवर्सरी होती है। पिंकी और रिंकी एक दूसरे को तैयार कर रहे होते हैं। पिंकी रिंकी से कहती है कि देखो क्या मेरा डॉग तीत हिल रहा है, पर रिंकी कहती है वो बिल्कुल ठीक है। फिर एनिवर्सरी पार्टी में पप्पलू गिटार बजा रहा होता है और पिंकी रिंकी सड़ा सा डांस कर रही होती है, जिसके बाद रिंकी थक कर बैठ जाती है, पर पिंकी डांस इंडिया डांस का कॉम्पिटिशन जीत लेती है और धमाल मचा देती है। फिर पिंकी डांस करने के बाद बाथरूम में जाकर अपने डॉग तीत को पत्थर मार मार कर तोड़ देती है और बाहर निकलकर अपने फादर की कार की डिक्की में छुप जाती है। अब सिंक में खून और दांतों को देखकर फादर पिंकी को ढूंढने लगता है और गेट के बाहर भी जाकर देखता है, पर पिंकी उसे नहीं मिलती। पिंकी को बाहर की दुनिया देखनी थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर अपने ऑफिस में कार लेकर आते हैं, जिसकी डिक्की में पिंकी छुपी हुई थी, पर पिंकी डिक्की से बाहर नहीं निकलती, शायद ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई हो। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।